तो अभी जैसे जैसे धूप निकलेगी ना, वैसे वैसे यार बहुत ही अच्छा सीन रहने वाला है। हिमालय के दर्शन। ये अपने महंग भाई आ गए। यो मैन यो। चलो ये अनार के पेड़ है, देखिए आप अनार के पेड़। क्या बात है, जिम भी है क्या ले भैया? बोला बोलो बोलो। क्या बात है, आगे आगे जा रहा, आगे आगे भाई। ओ कहाँ गया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के पास ही ये डिस्ट्रिक्ट है भाई, और टाइम हो गया है 6:10। अभी उठाऊँ मैं, थोड़ी देर हो गई है, और हमने टाइम लैप्स में लगा रखा है, सनराइज का टाइम लैप्स लगा रखा है भाई, और बहुत ही अच्छा सामने का व्यू आ रहा है। दिखाते हैं यार आप लोगों को, थोड़ा सा ऐसे भी देख लो और टाइम लैप्स में भी देख लो सनराइज होते हुए कैसा लगता है। बाकी जगह बहुत बढ़िया है, ठंडा काफ़ी है यहाँ पे, और ये देख सकते हो टाइम लैप्स हमने लगा रखा है यहाँ। और सामने का व्यू देख सकते हो कैसा है। ये छोटे छोटे कॉटेज हैं, ये पर्सनल कॉटेज हैं, मतलब एक बंदे के लिए एक ही है रूम। 1 2 3 कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं ये देखो। और वो सामने रेस्टोरेंट है, हमारा रूम ये है। हमारे रूम में देखो कैसे सोए हुए हैं, तीनों के तीनों बेहोश हैं, बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया है भाई। चलो मैं भी सो जाता हूँ, थोड़ी देर बाद उठते हैं, फिर सनराइज हो जाएगा तो बढ़िया लगेगा। फिर तो टाइम लैप्स देख लेना, बहुत बढ़िया रहेगा टाइम लैप्स, यहाँ का रहने वाला है बहुत बढ़िया। तो चलो टाइम लैप्स देखो इतने। दिखा दूं, देखो सामने भाई हिमालय दिख रहे हैं। हिमालय गोप्रो में तो आएगा नहीं, लेकिन इसमें दिखा देता हूँ मैं। ये देखो टाइम लैप्स तो देख ही लिया होगा भाई, कुछ व्यू है। लो हिमालय के दर्शन हो गए सुबह सुबह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया व्यू है। अभी जैसे जैसे धूप निकलेगी ना भाई, तो अभी जैसे जैसे धूप निकलेगी ना, वैसे वैसे यार बहुत ही अच्छा सीन रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया। पीछे का नज़ारा देखो, मज़ा आ जाएगा। सुबह मैं इसीलिए जल्दी उठ गया, नहीं तो मैं उठता नहीं 8 बजे से पहले, क्योंकि हमें ये नज़ारा देखना था, इसलिए सुबह सुबह उठे हैं, और आप लोगों को भी दिखाना था भाई। अब इसके बाद हम जाएंगे, इसके बाद का प्लान हमारा ये है, हम जाएंगे जागेश्वर, जागेश्वर के बाद अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से फिर सीधे घर। बस ये प्लान रहने वाला है, जल्दी जाएंगे अब। देखो और क्लियर दिखने लगा, जब ब्रेक लगते थे पीछे से ऐसे काम। तो भाई अभी जा रहे हैं यार, नाश्ता करने, नाश्ता करने का टाइम हो गया है, और हम बच चुके हैं भाई, 9 बजने वाले हैं, टाइम तो हो गया। चले हो गया, 9 बज गए, आओ यार जल्दी। अभी भी देखो यार ये और ज्यादा वाइट हो गए, लेकिन सुबह का नजारा भाई कुछ अलग ही था, और अब का नजारा कुछ अलग ही है। दिखाते हैं, ये अपने महंग भाई आ गए। यो मैन यो, ये देखो भाइयों को भाई, भाइयों को भाई, भाइयों को भाई, भाइयों को भाई, महंग भाई, भाइयों को भाई। चलो ये अनार के पेड़ है, देखिए आप अनार के पेड़, अनार के इसमें अनार उगेंगे।
अनार का पेड़ कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। जगह बढ़िया भैया, जगह बढ़िया, मजा आ गया। कब्जा कर होगा ना यार, हम बताया नहीं यार। अरे बात क्या बात है, जिम भी है क्या ले भैया? ये बढ़िया कर रखा, हम कह रहे सॉन्ग वोंग का है। ओ आगे आगे आ गया, कह रहा है हेलो 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 हेलो। कितना बढ़िया लग रहा है, छोटा सा काटेगा तो नहीं है? नहीं काटेगा, कुछ नहीं काटता। अच्छा, ये सोच रहा कुछ देंगे। क्या बात है, क्या बात है, चले। मस्त लग रहा। ये देखो ये देखो ये देखो, अरे भाई, ओ हो 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 हो, बोलो बोलो बोलो, आजा आजा आजा, कितनी मस्ती कर रहा, आजा 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 आजा, चल 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 चल, चलो चलो चलो, कैसे भाग रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है, आगे आगे जा रहा, आगे आगे भाई, आगे आगे जा रहा, आगे आगे भाई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओ कहाँ गया, ऊपर आ। किधर गया, आजा 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 आजा, ऊपर 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 आ, ऊपर आ। क्या बात है, मजे ले रहा, मजे। ये तो पीछे ही पड़ गया, महंग भाई संभालो तो इसे। उधर 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 जा, खेलना है, खेलना है, खेलना है। ये ऐसे करवाना चाह रहा है ये कितने मजे ले गया, खड़ा हो गया एकदम। चल भाई मैं चलूंगा। तो यार देख सकते हो यहाँ पे हैं हम इस टाइम, तो ये है रेस्टोरेंट भाई, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ से, वाह। काफी अच्छा है, कितना तगड़ा डॉग है, मुझे तो इससे डर लग रहा है यार। वो पहाड़ी भूतिया। और जो भैया ये पेड़ गंजे, ये क्या है भैया? ये सेब हो गया, पत्थर ढूंढ रहा है, सेब और ढूंढ रहा कौन सा है, सही लेके जाए, सही लाएगा भाई। आप अपनी फैमिली मिल नहीं रहा उसे? नहीं नहीं, हल्द्वानी में हमारा खेती बाड़ी का काम है, हम तो लाइक बहुत टाइम से है, मतलब एक लौता हमारा ही घर था वहाँ पहले। नहीं तो पापा मम्मी और आप यहीं पे जाते रहते अब कल आइए, सिर्फ आइए, तो रात में डरा दिया किसी बंदे को। आइए, ऐसे चाहिए भैया, यहाँ पे ऐसे चाहिए। वो पत्थर उठाने गया भाई, अरे उधर है, उधर उधर है, सूम रहा है ना, सूम सही सूम सूम के बाग बाग जाता है। हां अब देख, आगे आगे खुशबू आ गई, रामपुर से कॉलर का पत्थर लाया हुआ मैंने, मैं भी लेके आऊं, इसमें इतने बड़े कांटे हैं मेरे पास, मेरे पास दो दर बने भैया। मेरी मम्मी बोलते तुम भी इसी जैसे कुत्ते हो गए हो, नहीं मिल रहा उसे, उसे बुला लो, उसे नहीं मिल रहा, ढूंढ रहा है। सुनाना चाहिए ना पहले, हाँ
लेकिन जब ये बड़ा होता है ना तो इंसान इसको देख के आता नहीं है, फाड़ देगा यार, हर किसी को फाड़ देगा यार। मुझे डर लग रहा है इससे, अभी भी डर लग रहा है। एक बार में तुम शेर पाल रखा है, तुम दुबई पहुंच गए एक बार के लिए। कुत्तों से डर हुआ, कुत्ता और आगे से हो जाता है। वो ले आया देखो पत्थर, पहले वाला ले आया, ले आया, ले आया। आजा 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 दे। अब इसका छु पत्थर छुड़ाने का तरीका कि दूसरा पत्थर उठाना पड़ेगा। वो घर की तरफ को भाग रहा है। हां अब कह रहा है अंदर चलो। ओ भाई ये गया, ये किधर गया? दूसरे रास्ते से जाएगा ना, इधर से जाएगा। तो ये साइज जितनी प्रॉपर्टी में सब अपनी है? अभी तो अपनी नीचे है। चाहो नीचे भी आपकी 15 एकड़ किधर है? हां 300 नाली, 300 नाली। हां मतलब ये तो बड़ा एकड़ बहुत होती है, पूरा नीचे गदेरे तक है। चले फोटो, हाँ खींचनी है, पहले ये रख दूँ यहाँ पे खड़े हो गए, इधर से इधर को लेना, इधर से इधर से, पीछे हो गए, पीछे हो गए, फुल फुल। तो यार फोटो वोटो ले ली है हमने, और ये देखो ये है अपना रूम, कैसा है कमेंट करके बता देना। बढ़िया, ये अपना बैग रखा है, बैग को टांगते हैं। और ये देखो बाहर का नज़ारा भाई, रात में तो दिखाई दिया नहीं होगा, रात में आए थे हम, लेकिन रात में भाई लाइटिंग बहुत अच्छी लगी हुई थी यहाँ पे, तो इस चक्कर से लाइटिंग की वजह से और ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना सारा कुछ। और ये छोटे छोटे कॉटेज हैं यहाँ पे, ये कॉटेज है, ये मतलब पर्सनल कॉटेज हैं, मतलब इसमें सोफ़ा और ये वो, लो फोटो खींच लो। तो इसमें भाई पर्सनल कॉटेज हैं, बहुत बड़े कॉटेज हैं ये, इसमें सोफ़ा वोफ़ा और बेड वेड और बॉनफायर इसमें साथ में मिलती है। देखो हर कॉटेज के साथ में बॉनफायर मिलेगी, देखो इसमें भी है उसमें भी है, और बैठने का सिस्टम भी है, सारा सेपरेट है। और यहाँ पे सेब के पेड़ हैं, ये देखो ये सेब का पेड़ है, वो सेब का पेड़ है, और देख सकते हो यार बादल यहाँ से, आपने देख ही लिया होगा इससे पहले वाले ब्लॉग में, तो मतलब इससे पहले वाले क्या, इस वाले ब्लॉग में देखा ही होगा आपने, मैंने टाइम लैप्स बनाया था इसका सुबह उठ के, और कितना बढ़िया लग रहा था यार, ये नज़ारा देखने लायक था यार, सामने का जो मैंने पहाड़ का व्यू लिया था ना, तो हिमालय यहाँ से साफ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ। और इधर फोटोशूट चल रहा है इन लोगों का, और बाकी हमारा रूम ये था, तो बस सब बढ़िया रहा यहाँ पे। और बस अब यहाँ से निकलते हैं, और उसके बाद आपको मिलते हैं अभी आगे अपने मोटो व्लॉग के सेटअप पे। तो अभी हम बाइकों के पास जा रहे हैं, और मयंक भाई आगे निकल चुके हैं, और इन दोनों का फ़ोटो शूट ही नहीं हो रहा। तो बढ़िया था यार रुकने का, बहुत बढ़िया सिस्टम है। अभी मैं जाऊंगा काउंटर पे, और फ़ोन ले आना मेरा, ठीक है? तो अभी हम जाते हैं काउंटर पे और भैया से बात करते हैं, और भैया से उनका एड्रेस वेड्रेस इसमें डाल देते हैं कि क्या एड्रेस है इनका, और यहाँ पर कोई आना चाहे तो किस रूट से आ जाए तो वो बता देंगे लोकेशन। और मैं इस रिज़ॉर्ट की लोकेशन भाई सारी मैं अपनी इस व्लॉग में डाल दूंगा, और हो सका तो यहाँ का रिज़ॉर्ट का कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा, तो भाई आप देख लेना जैसा भी हो। अच्छा अच्छा आ जाऊँ, मुझे भाई डर लगता है इनसे। अब व्लॉग बना रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये हैं हमारे भैया, क्या नाम है भैया आपका? ऋषभ भैया। तो इनका रिजॉर्ट है ये, और इनकी मैं यहाँ की डिटेल सारी यहाँ पे डाल दूंगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना भैया। एक बार लोकेशन बता दो अपनी यहाँ की। ये प्लेस है कॉल्ड लमगड़ा। हाँ जी, हल्द्वानी से 80 किलोमीटर पड़ता है। हल्द्वानी से 80 किलोमीटर पड़ता है, और धानाचूली होते हुए आते हैं। धानाचूली जो यहाँ बहुत फेमस प्लेस है उसे बोलते हैं डोल आश्रम। डोल आश्रम ठीक है। और सारे रोड्स नेशनल और स्टेट हाईवे के अंदर आते हैं, तो कोई रोड्स की प्रॉब्लम? हाँ रोड्स की तो हम भी आए हैं दिखाते हुए आए ना व्लॉग में, तो रोड बहुत बढ़िया है। लमगड़ा करके एक प्लेस। हाँ लमगड़ा करके है, तो हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। बाकी यहाँ की डिटेल मैं शेयर कर दूंगा अपने व्लॉग में। यहाँ से व्यू देखो यार, ये देखो, मैंने काफ़ी बार बता चुका है, मैंने यहाँ पे अपने भी फ़ोटो शूट किया था थोड़ी देर पहले आके, यहाँ नाश्ता किया हमने, तो बढ़िया है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वो, आप ज़रूर आके विज़िट करना यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा सिचुएशन है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, क्लाइमेट भी इतना बढ़िया है, थोड़ा ठंडा है, और दिसंबर के बाद भी यहाँ पे स्नो आ जाती है, कभी भी पड़ सकती है। अच्छा तो उस टाइम तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा ये प्लेस। तो ठीक है, बस अब यहाँ से निकलते हैं, और उसके बाद आगे मिलते हैं आप लोगों को।
मोटो व्लॉग के सेटअप पे अपने। तो चलो फिर बाय बाय।